नमस्कार, वेब ब्यूरो न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। पाकिस्तान ने दी इसराइल को परमाणु हमले की धमकी। भारत पर परमाणु हमला करने की धमकी देने वाले पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अब इसराइल को भी इस तरह की धमकी दी है। दरअसल कथित रूप से एक फर्जी खबर में सीरिया के इस्लामिक स्टेट के खिलाफ पाकिस्तान की संदिग्ध भूमिका पर इसराइल के रक्षा मंत्री के हवाले से इस्लामाबाद पर परमाणु हमला करने की धमकी दी गई थी। द न्यूयॉर्क टाइम्स समाचार पत्र ने झूठी खबर से पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के आग बबूला होने की रिपोर्ट प्रकाशित की है। आसिफ ने इजरायली रक्षा मंत्री के नाम से प्रकाशित फर्जी खबर की धमकी को लेकर ट्विटर पर बेकाबू होकर जल्दबाजी में अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने लिखा कि सीरिया में आईएस के खिलाफ पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाते हुए इजरायली रक्षा मंत्री ने परमाणु हमले की धमकी दी है। इजरायल यह भूल गया कि पाकिस्तान भी एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। समाचार पत्र की खबर के मुताबिक आसिफ AWDNews.com पर प्रकाशित एक फर्जी आलेख का जवाब दे रहे थे। इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने इसे खारिज करते हुए ट्वीट किया कि पाकिस्तान को लेकर पूर्व रक्षा मंत्री मोशे यालोन ने जिस बयान का हवाला दिया गया है वह उन्होंने कभी नहीं दिया। दूसरे पोस्ट में मंत्रालय ने लिखा कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री जिस बयान का हवाला दे रहे हैं वह पूरी तरह झूठ है। उल्लेखनीय है कि फर्जी खबर का शीर्षक था इजरायली रक्षा मंत्री, किसी भी लालच में अगर पाकिस्तान सीरिया में थल सेना भेजता है तो हम परमाणु हमले से इस देश को खत्म कर देंगे। इस महीने की 20 तारीख को प्रकाशित खबर में इजरायल के रक्षा मंत्री का नाम भी गलत बताया गया था। देश के पूर्व रक्षा मंत्री मोशे यालोन को इस खबर में उद्धृत किया गया, लेकिन वर्तमान में इजरायल के रक्षा मंत्री एविगदोर लिबरमैन है। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोदी ने कहा बेनामी संपत्तियों के खिलाफ जल्द ही लागू होगा कानून। अखिलेश ने मुलायम को सौंपी 430 उम्मीदवारों की लिस्ट, भड़के शिवपाल। सीरिया जा रहा रूसी विमान क्रैश, 92 लोगों की मौत। पाकिस्तान ने रिहा के 220 भारतीय मछुआरे। कोलकाता के मदर हाउस को बम से उड़ाना चाहता था आईएस संदिग्ध मूसा।